variable mass concept. Students, variable mass concept is one of the important technique for number of multiple choice questions as well as numericals. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, वी टेक अ पाइप. उस पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है और पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए. वाटर का वेलोसिटी क्या है, वी. पाइप का डेंसिटी क्या है, वाटर का डेंसिटी क्या है, रो. तो अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यहाँ मल्टीपल इसमें डायमेंशनल का. एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो, मैं लिखता हूं मास पर यूनिट टाइम. नोटबुक पे आप कैलकुलेट करके देखो, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो. एरिया एल स्क्वायर, वेलोसिटी एल अपॉन टी, डेंसिटी एम अपॉन एल क्यूब. एल स्क्वायर से एल मल्टीप्लाई एल क्यूब गेट्स कैंसल्ड, मास अपॉन टाइम. इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर हम एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो यानी कि मास पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मास अपॉन टाइम इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन टाइम. तो ए वी स्क्वायर रो इक्वल टू फोर्स, बिकॉज मोमेंटम अपॉन टाइम क्या है, फोर्स. दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ. तो फोर्स इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर रो. सो दिस is called thrust. This is called thrust, जो कि proportional to v square है. जितना ज़्यादा water का velocity होगा, जितना ज़्यादा fluid का velocity होगा, उतना thrust ज़्यादा लगेगा. जितना density fluid का होगा, उतना thrust लगेगा. और area of cross section अगर हम बढ़ा देंगे, तो भी force बढ़ जाएगी. Students, ये concept से आपने कभी note किया होगा कि एक water pipe है, वो पड़ा हुआ है फ्लोर के ऊपर, पानी सप्लाई नहीं आया. जैसे ही अचानक पानी का सप्लाई आता है, वाटर पाइप स्नेक की तरह हिल जाती है. और आप सोचते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें क्या लग रही है, थ्रस्ट ए वी स्क्वायर रो. और आपने कभी कभी देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार करती है भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए. वो भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग हॉस पाइप से, जो फायर ब्रिगेड से पानी निकलता है, हॉस पाइप से पानी का बौछार बढ़ाएंगे यानी कि थ्रस्ट बढ़ाएंगे, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का होगा, वाटर की डेंसिटी होगी, तो वो वाटर जो है क्राउड के ऊपर थ्रस्ट पड़ेगी. वाटर की थ्रस्ट से क्राउड को फोर्स लगेगा और क्राउड डिस्पर्स होगी. तो स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसी कॉन्सेप्ट से आप एक चीज और नोट करो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया. तो स्टूडेंट्स, दिस इज एफ अपॉन एरिया, दैट इज व्हाट इज एफ अपॉन एरिया, दैट इज वी स्क्वायर रो. राइट स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज वी स्क्वायर रो. तो आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर का रोटर जब घूमता है तो वो नीचे जितना स्पीड से वो घूमेगा उतना डस्ट उड़ता है, क्योंकि वो हवा को वेलोसिटी वी से डाउनवर्ड थ्रस्ट लगाएगा और हेलीकॉप्टर को क्या मिलेगा, अपवर्ड लिफ्ट.